Mande, mande, mande. বন্ধুগণ যাকে দেখার জন্য যারা একটু মুগনিস্ত বাণী শোনার জন্য কন্দরে আপনার অপেক্ষা করে আছেন সেই আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী সারা বিশ্বের নেতা ভারতবর্ষকে যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আসনে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিগত পাঁচ বছরে যার নেতৃত্বে ভারতবর্ষ যোজন গতিতে গিয়ে চলেছে আগামী দিনেও তিনি ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব দেবেন বিশ্বের সামনে আমরা সেই প্রধানমন্ত্রী আমাদের নরেন্দ্র আমাদের মঞ্চে পেয়েছি তো আমরা সবাই অপেক্ষা করে আছি এবার আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে আসছেন বক্তব্য রাখতেন আমাদের মাঝে আমাদের ডায়মন্ড লোকসভার প্রার্থী নীলাঞ্জন রায় আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছেন ভারত মাতাকে ভারত মাতাকে ভারত মাতাকে সবাইদেরকে আমার নমস্কার এখানে উপস্থিত सो बोरो देर के अमार प्रणाम आप नारा आपका प्यार और आपका आशीर्वाद मेरे लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा है पश्चिम बंगाल के कोने कोने में आशा और उम्मीद का माहौल मैं हर पल अनुभव कर रहा हूं और जितनी बार आता हूं बड़ा हुआ महसूस करता हूं क्या रास्ते क्या गलिया और क्या सभा स्थल हर जगह आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं प्यार दे रहे हैं उसको मैं ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा भाइयों बहनों दिल्ली में बैठ करके कोई अंदाज नहीं लगा सकता बंगाल का मिजाज क्या है बंगाल की ताकत क्या है साथियों कल कोलकाता की तस्वीरें पूरे देश ने देखी है दीदी के प्रशासन और गुंडा तंत्र ने भाजपा के रोड शो को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की लेकिन कोलकाता के लोगों ने उनकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी इसलिए मैं कोलकाता और पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों का आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं आभार व्यक्त करता हूं साथियों 19 मई को डायमंड हार्बर और जयनगर सिर्फ वोट नहीं डालने वाला बल्कि 21वीं सदी के भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाला है पश्चिम बंगाल में दशकों से चली आ रही खून खराबे की राजनीति बदलनी चाहिए या नहीं ये आपका ये मिजाज तय करने वाला है आपको ये तय करना है कि लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा बंगाल में होगी या नहीं होगी भाइयों और बहनों इस बार पूरे देश ने देखा है कि टीएमसी ने किस तरह गणतंत्र को गुंडा तंत्र बनाकर रखा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात रखने से रोका जा रहा है उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से प्रचार करने से रोका जा रहा है दीदी का ये गुंडा तंत्र उसकी एक्सपायरी डेट तय हो चुकी है अब ये गुंडा तंत्र नहीं चलेगा साथियों जिन गुंडों को जिन तस्करों को अवैध तरीके से घुसपैठ कराकर पश्चिम बंगाल में लाया गया है उन्होंने यहाँ के जीवन को नरका घार घर में बदलने का बरसक प्रयास किया है गुरुदेव रविंद्रनाथ नाथ टागोर ने जैसे बंगाल की कल्पना की थी आज ठीक उससे उल्टा हो रहा है गुरुदेव डर से रहित ऊंचे मस्तक वाला बंगाल चाहते थे दीदी के राज में बांग्ला युवाओं के मस्तक पर गोलियां मारी जा रही है भाई और बहनों डर का आलम तो ये है कि जय मां काली जय मां दुर्गा जय मां सरस्वती और जय श्री राम तक कहना मुश्किल हो गया है अगर कोई युवा मजाक भी करता है राजनीतिक व्यंग भी करता है तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है यहां की ब्यूरोक्रेसी यहां की पुलिस पर कितना प्रेशर है इसका उदाहरण एक पूर्व आईपीएस की खुदकुशी है और मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं वो व्यक्ति जिसने पूरा जीवन पश्चिम बंगाल के सामान्य मानवीय के जीवन की सुरक्षा में लगा दिया उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया जहां पुलिस प्रशासन ही इतने खौफ में जी रहा है ऐसे दिनों की कल्पना तो गुरुदेव टागोर ने कभी नहीं की थी जिस राज्य में एक आईपीएस अधिकारी को ही न्याय नहीं मिलेगा वहां सामान्य मानवी कितने डर में जी रहा होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है भाई और बहनों बुआ और भतीजे के बुआ और भतीजे के मॉडल ऑफ गवर्नेंस में डर और भय से मुक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है ये दीदी की दरिया दिली है मेहरबानी है कि डर और भय से यहां पर पूरी तरह लोग मुक्त हैं। कौन घुसपैठिए डर और भय से पूरी तरह मुक्त है कौन गो तस्कर मानव तस्कर बेटियों के तस्कर डर और भय से दीदी की राज में पूरी तरह से मुक्त कौन है दीदी के टोलाबाज और दीदी का सिंडिकेट डर और भय से पूरी तरह मुक्त है यहाँ पर डर और भय से वो लोग मुक्त है जो गरीबों को लूटने का पेशा बना करके बैठे हैं। चिटफंड वाले नेता डर और भय से पूरी तरह मुक्त है कोयला माफिया रेत माफिया भाई और बहनों डायमंड हार्बर में टूरिज्म के लिए संभावना है लेकिन यहां गुंडों का आतंक चरम पर है साथियों टीचर्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉज को सैलरी और इंक्रीमेंट भले ही ना मिले लेकिन टीएमसी के भाड़े के गुंडों को समय पर पेमेंट होती है होती है कि नहीं होती है होती है कि नहीं होती है गरीब के राशन पर गरीब के मकान पर मनरेगा की मजदूरी तक पर टोलाबाजी होती है कि नहीं होती है टोला बाजी चलती है कि नहीं चलती है ट्रिपल टी चलता है कि नहीं चलता है जहाँ एक दफ्तर तक कोई बिना टोला बाजी के खोल नहीं सकता वहां फैक्ट्रिया और उद्योग कैसे आएंगे ये आप सोच सकते हैं जो पुरानी फैक्ट्रिया है झूठ मिले हैं वो भी एक घुसपैठिया गैंग बंद कराती जा रही है साथियों जो स्वार्थ और लूट खसोट को लूट खसोट को ही भारत की राजनीति का चरित्र मान बैठे उन्हीं को भाजपा से परेशानी हो रही है मोदी से तकलीफ हो रही है प्रस्त है, उनको मोदी से कष्ट है ये वो लोग हैं जिनको आज वंदे मातरम से तकलीफ है ये वो लोग हैं जिनको सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी समस्या होती है ये वो लोग हैं जो भारत के सबसे ज्यादा पाकिस्तान के झूठ पर भरोसा करते हैं ये वो लोग हैं जिनको भारत की हर सिद्धि हर प्रसिद्धि से तकलीफ होती है भाई और बहनों आप सभी को ऐसे बर्बादी लाने वाले हर व्यक्ति को चुन चुन करके जवाब देना है आपको पश्चिम बंगाल के समृद्ध अतीत को ध्यान में रखते हुए इनको जवाब देना है भाइयों और बहनों पश्चिम बंगाल का युवा दीदी के इस दमन को चुनौती देने लगा है मैं यहां के युवा को यहाँ के महिलाओं को जितना अभिनंदन वह कम है आपकी हिम्मत को पूरा देश देख रहा है आपका गौरवगान कर रहा है बुआ भतीजे के गैंग ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल को बदनाम किया है उसके खिलाफ आज विद्रोह खड़ा हो गया है बोखलाहट में दीदी धमकियां पर उतर आई है खुलेआम बोल रही है इंच इंच बदला लूंगी इंच इंच बदले की बात कर रही है अरे दीदी कल रोड शो में भी इंच इंच बदला लेने का तुमने बहुत बड़ा खेल खेला लेकिन ये बंगाल की जनता है सीने पर पत्थर चेलती रही लेकिन अमित शाह को कुछ होने नहीं दिया ये बंगाल की जनता है जो तुम्हारे गुंडों की आग के गोले फेंक रहे थे जनता झेलती थी भाजपा के अध्यक्ष को उन्होंने एक गोला जाने नहीं दिया उनके पास ये ताकत बंगाल की बेटियों ने बंगाल के नौजवानों ने दिखाई है दीदी दीदी कान खोल के सुन लो और मैं तुम्हारे घर में आकर के बोल रहा हूं ये तुम्हारे भतीजे के इलाके में बोल रहा हूं ये तुम्हारे गोला ये तुम्हारी गालियां ये 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 अत्याचार उसके बीच मौत को मुट्ठी में लेकर के चलने वाले हम लोग हैं बदला लेने की बात कर रही हो ये लोकतंत्र है क्या और खुलेआम कहती हो मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानती हूं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानती हो हो क्या गया है तुम्हें अरे दीदी ये बदला लेने का नहीं ये तो बंगाल में बदलाव का दौर है ये तुम्हारे बदले के इरादे तो धरे के रह, रह जाएंगे ये बदलाव आगे बढ़ जाएगा और यकीन मानिए इस बार दीदी के भतीजे का टप्पा गोल है चुनाव नतीजे आने के बाद भतीजे के ऑफिस पर घुसपेठिया ताला भी लग जाने वाला है वैसे मुझे बताया गया है कि भतीजे का ऑफिस भी टीएमसी की उस महान परंपरा पर चलते हुए रोड पर कब्जा करके बनाया गया है ऐसा ही किया है ना गैरकानूनी कब्जा किया है ना अरे दीदी इतना कमाया है आपकी पार्टी टोला बजा करके टोलाबाजी बाजी करके जमा कर रही है तो फिर भतीजे ने अपनी ऑफिस के लिए सड़क पर कब्जा क्यों कर लिया अरे इतना तो नियम का पालन करो आदत नहीं जाती है ये लूटने की आदत नहीं जाती भाई और बहनों मुझे याद है मेरे साथ भी ऐसा ही किस्सा हुआ था मैं गुजरात में सीएम था और अहमदाबाद में मणिनगर से मैं एमएलए चुन करके आता था तो मैंने एमएलए के लिए वहां एक दफ्तर बनाया था बाद में मुझे पता चला कि जो दफ्तर हमने किराए पर लिया था और जिससे हमने किराए पर लिया था उसने एक दो फीट जमीन सरकारी पर उसने कब्जा कर लिया था और मक, उस मकान को आगे बढ़ाया था और उसमें मेरी ऑफिस थी तो मुझे पता चला मैंने तुरंत अफसरों को कहा कि जाओ ये कहा तो मेरा एमएलए का ऑफिस खाली करो वहां से या तो वहां पर जाकर के जो कब्जा किया गैर कानूनी है उसको तोड़ दो और आप हैरान हो जाओगे मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था मेरी अपनी ऑफिस मैंने तोड़वा दी थी अखबार वालों ने खूब फोटो छापे थे कि देखिए मोदी की ऑफिस को तोड़ दिया मोदी ने और यहां तो दीदी है लूटो दीदी से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते जी दीदी में जो बुराइयां थी वो तो थी लेप्ट वालों की भी उसने लेकर के बुराइयों को डबल कर दिया है साथियों 23 मई को जब दीदी को डायमंड हार्बर से और जयनगर से झटका लगेगा तब उनको लोकतंत्र की ताकत का पता चलेगा आपातकाल में भी जो सत्ता में बैठे थे उनको यही अहंकार था लेकिन लोगों ने पोलिंग बूथ में जाकर के ऐसे पर्चे डाले ऐसे पर्चे डाले सारा अहंकार चुरचुर हो गया यही बंगाल में हो रहा है जो अहंकार दीदी के सर पर चढ़कर बोल रहा है उसको लोकतांत्रिक तरीके से उतारना बहुत जरूरी है तभी लोकतंत्र की ताकत का सामान्य नागरिक को अनुभव होगा और हम ये जेल रहे हैं पत्थर खा रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को फांसी पर लटका दिया जाता है ये सब बंगाल को बचाने के लिए है हम जेल रहे हैं बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए हम अपने लिए नहीं जेल रहे हैं और भाइयों बहनों हम झेलते रहेंगे जूझते भी रहेंगे और बंगाल को बचा के रहेंगे ये मैं आज विश्वास देने आया हूं आपको इतना ही नहीं दिल्ली में आपके सहयोग से जब एक मजबूत सरकार बनेगी तब दीदी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा भाई और बहनों तेईस मई को जब फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार, बार मोदी सरकार आएगी तब एक महत्वपूर्ण काम हम करने वाले हैं घूस की पहचान की जाएगी उनका पूरा बायोडेटा खंगाला जाएगा बॉर्डर को आधुनिक फेंसिंग से और सुरक्षित किया जाएगा यही नहीं आस्था के कारण सताए हुए जो साथी यहाँ शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं उनको उनकी चिंता करने की जरूरत उनको नहीं है हम नागरिकता कानून में संशोधन करके उनकी चिंता करने वाले हैं ताकि मां भारती की हर उस संतान को नागरिकता मिल सके जिसके पास भारत के अलावा कोई ठिकाना नहीं है साथियों सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है और सबको सुरक्षा सबको सम्मान ये हमारा प्रण है हमने तय किया है कि 2022 तक हर गरीब के पास अपना खुद का पक्का घर हो ये मोदी का वादा है पूरा करके रहेगा 2022 तक हर परिवार के पास अपने घर में बिजली हो हर परिवार के पास अपने घर में गैस का चूल्हा हो 2022 तक किसान की आय डबल करनी है भाइयों और बहनों हमारा संकल्प है कि जो युवा साथी हैं उनको अवसर मिले डायमंड हार्बर सहित पूरे पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर हमारा जोर है बल्कि हम तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं सागरमाला के जरिए समुद्री किनारों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या फिर हल्दिया से वाराणसी के बीच शुरू हुए इनलैंड वॉटर प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना इनका लाभ यहां के सामान्य मानवी को होना निश्चित है साथियों हम 21वीं सदी के नए भारत के संकल्प को लेकर ईमानदारी से काम कर रहे हैं इसलिए पूरा देश हम पर विश्वास कर रहा है भाइयों और बहनों इसी विश्वास के साथ आपको और मजबूत करना है याद रखिए, मैं एक नारा बुलवाऊंगा बोलोगे बोलोगे सबके सब, सब लोग बोलोगे चुपचाप कमल छाप बोलेंगे मैं बोलूंगा चुपचाप आप बोलेंगे कमल छाप दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए चुपचाप 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 चुप चुपचाप 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 अब दूसरा नारा बुलवाता हूं ये खास बोलना है और यह भतीजे को सुनाई देना चाहिए भतीजों को सुनेगा तो बुआ की नींद खत्म हो जाएगी दूसरा नारा है बुध बुध से टीएमसी साहब, बुध बुध से टीएमसी साहब, बुध बुध से बुध बुध से, बुत बुत से बुत बुत बुदबुद से बुदबुद से चुपचाप 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 बुदबुद से बुदबुद से भाइयों बहनों कमल छाप पर पड़ा आपका हर वोट मोदी के खाते में आएगा भाइयों बहनों मैंने आज एक सभा में कहा है कि पांचवा और छठा चरण हुआ तभी देश के सर्वे करने वालों ने बार बार कह दिया कि बीजेपी की सरकार बन रही है भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रहा है एनडीए पहले से अधिक ताकत से आ रहा है लेकिन बंगाल का जो मिजाज मैं देख रहा हूं इस बार बंगाल सिर्फ पूर्ण बहुमत नहीं पहले से अधिक सीटें नहीं ये बंगाल हमें अकेले बीजेपी को 300 पार करा देगा ये मैं देख रहा हूं और एनडीए एनडीए पहले से भी अनेक गुना बढ़ेगा इस विश्वास के साथ आप इतनी बड़ी तादाद में इतने जोर जुल्म के बीच भतीजे की गुंडाशाही के बीच बुआ भतीजा दोनों की ये मिली भगत के तूफान के बीच इतनी बड़ी रैली ये दिल्ली वालों की आंखें फट जाए ऐसा ताकत आपने दिखाया है मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद